डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं इकोनॉमिक्स की क्लास 11th चैप्टर 1 में। और आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का पार्ट 2, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहली जो टाइप्स है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो वो सारे प्राइवेट सेक्टर से होते हैं, और पूरा का पूरा जो इकोनॉमी चल रही होती है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। और उन सब का मकसद सिर्फ एक काम होता है, वो है प्रॉफिट गेन करना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें पूरा का पूरा खेल जो है वो गवर्नमेंट प्ले करती है, पूरा का पूरा रोल गवर्नमेंट प्ले करती है। और गवर्नमेंट का एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो इसमें क्या है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर वाले में जो है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ना तो एंट्री मिलेगी ना ही एग्जिट मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करता है कि इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, दोनों को मिला देता है। इसीलिए कुछ चीज़ें हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं और कुछ चीज़ें हम पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर भी है, जैसे कि रेलवे, रोडवेज, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी में आती हैं। और अगर आप ध्यान दें तो प्राइवेट सेक्टर्स में हमें जैसे कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल ऐसी कंपनियां भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में रहती हैं और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो बेसिक डिफरेंस है, आई होप कि वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉम्पिटिशन। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, कॉम्पिटिशन की कोई चीज़ होगी ही नहीं। और प्राइवेट सेक्टर मिक्स्ड इकोनॉमी में यस कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से कम होगा। अगर आपको एग्जांपल लेना है तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो मेनली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये आप एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आप खुद सोच कर देखो कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियोज में आपको बताया है कि इकोनॉमी जो है उसमें हमारी वांट्स क्या हैं। वांट्स जो हैं वो हैं अनलिमिटेड, यानी कि जो हमारी वांट्स हैं वो हैं अनलिमिटेड। और जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो रिसोर्सेस के साथ इकोनॉमी में एक और प्रॉब्लम है, वो है इसका अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज, तो जैसे ही इसका अल्टरनेटिव यूज होता है तो इकोनॉमी में ये बात ध्यान रखनी पड़ती है किसी को भी कि इसका सबसे बेटर यूज कहाँ और कैसे होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि हाँ, अब अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स की बात करें तो और भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि
what to produce, हम क्या बनाएं, क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, भाई कैसे प्रोड्यूस करें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और तीसरा हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें हम, कौन यूज करेगा हमारा प्रोडक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इन तीनों सवालों को ध्यान में रखकर ही हम कोई भी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो आप व्हाट टू प्रोड्यूस में, आप ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस, अगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पूछा जाए कभी, याद रखिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में कभी पूछा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही इजी है, इसमें कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। जितना अच्छे से आप समझ पाएंगे उतना अच्छा आंसर आप लिख सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेक्टर्स भी बता देता हूँ, आपको हो सकता है कि आपके बुक्स में ना हो, बट यस नो डाउट डेफिनेटली ये आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सेक्टर्स में भी तीन तरह के सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अगर स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप अपनी बुक से करेक्ट कर लीजिएगा। तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और सर्विस सेक्टर में तो हम डिवाइड करते ही हैं, साथ ही प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में भी डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए कि एग्रीकल्चर है, ठीक है, क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में हो जाता है, एग्रीकल्चर से ही मान लीजिए कि हमने गन्ना उगाया तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया, लेकिन जैसे ही जूस की हमने कोई फैक्ट्री लगा दी जिसमें गन्ने का यूज हो रहा है तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी फैक्टर हो गया। लेकिन तीसरा टर्शियरी सेक्टर क्या करता है कि उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए शॉपकीपर्स चाहिए, मशीनरी चाहिए जो मशीनरी को प्रोग्राम करेंगे, मार्केटिंग चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर में आ जाती हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को भी आई होप कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्राइवेट सेक्टर का अगर एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए जियो है, फिर टाटा है, ये बहुत सारी कंपनियाँ जो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप रेलवे को ले सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है ना। और सर्विस सेक्टर में आप टीचिंग को ले सकते हैं, ये भी एक बहुत ही आसान सा ये है कि चलिए टीचिंग भी एक काफ़ी इजी एग्जांपल है सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको बड़ी समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा इन सबको समराइज करके एक और वीडियो बना देने की, ठीक है। तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो चीज़ें हमें एग्जैक्टली जैसी होती हैं वैसी ही दिखाई पड़ती हैं और वैसे ही हम उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि इनकम जो है इंडिया में सबकी इक्वल नहीं है, तो अनइक्वल इनकम ऑफ इन इंडिया, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसे ले सकते हैं। या फिर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो आप जानते हैं कि आप जब भी कभी ऐसा कुछ स्टडी करेंगे तो ये एकदम सिंपल जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही है एग्जैक्टली, इसमें कुछ चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि शुड बी ऐसा हो जैसे कि, या फिर हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो इसमें निकल कर बाहर सामने आती हैं। हम एक्सप्रेस करते हैं कि यस हमें ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, हम ये कहें कि गवर्नमेंट शुड कट अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट को ऐसे खर्चे नहीं करने चाहिए जिससे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो। वैसे ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं बट क्या कर सकते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल ये भी मान सकते हैं कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, क्या इंश्योर करना चाहिए कि इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का। तो सॉरी ये इक्वल मत लिखिए क्योंकि सबकी सैलरी समान तो हो नहीं सकती है ना। तो सबकी सैलरी समान तो नहीं हो सकती है, यस यू आर राइट, बट हाँ गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो। जो जितनी सैलरी डिजर्व करता है, जो जितनी इनकम डिजर्व करता है, उसे उतनी इनकम होनी चाहिए। ऐसा होता है, आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है कि जो डिजर्व नहीं करता उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, बट जो डिजर्व करता है उसकी सैलरी कभी कभी ऐसा होता है। तो इस वजह से आई थिंक ये जो आपका चैप्टर है इसमें और कुछ खास ऐसा नहीं लगा मुझे बताने लायक। तो अगर आपको कुछ और टॉपिक ऐसा लगे जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसे भी क्लियर कर दिया जाए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ चैनल को लाइक